जैसे समाज चलेगा समाज के साथ चलेगा। तो जी यानी जो जातिवादी मुद्दे हैं वहाँ भी हैं? नहीं मैम ऐसा कोई वो नहीं है, जो क्या होता है सरकार के उसमें उस हिसाब से चलेंगे। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी कौन बनने चाहिए सी एम? जिसे चाहे वो आप लोग उसे बनाओ, हम बनाने का तो हम लोग बैठे हैं। आपको बनाना तो सीएम योगी जी को बनाओगे, अखिलेश को बनाओगे, किसको बनाओगे? जिसे आप कहो उसे बना मैं, लेकिन हमारे योगी जी रहेंगे बाकी कोई भी नहीं। बदलाव तो जरूरी है और जो कुछ चल रहा है बच्चा इसमें गरीब आदमी पिस रहा है, कोई आदमी अपना गुजारा कैसे कर रहा है ये उसको ही पता है। तो हम अपना भी नहीं कह सकते, हम किसको दे? काम कैसे किया है योगी जी? योगी जी तो यहाँ तो कोई कहता है काम किया हो नहीं हमारे पास, यहाँ तो गाजियाबाद में कुछ काम नहीं है। बदलाव होगा, साइकिल चलेगी या कमल का फूल ये तो हम नहीं जानते, ये कौन चलेगा? जगह तो है बढ़िया है योगी जी की, लेकिन ये ठेज हटाया जा रहा है हमारे यहाँ से, गरीब हटाया जा रहा जब से ये आई सरकार, सबको हटाया जा रहा है यहाँ से, बैठने दे दी फेरी बड़ी से हटा दी यहाँ से। हम तो योगी को जिता रहे हैं दोबारा फिर। हाँ हाँ अच्छा क्या काम अच्छे लगे योगी के? है क्या काम अच्छे लगे योगी के? योगी के सारे काम अच्छे हैं। हाँ जी बीजेपी का अच्छा है वह। हाँ जी क्या काम अच्छे किए योगी जी ने? योगी जी ने किसान के लिए तो राशन है और क्या है, मजदूर आदमी के लिए। हाँ जी योगी सरकार का होगा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्यों कैसे क्या काम किए उन्होंने? बहुत बढ़िया काम किया है जी उन्होंने, गरीबों के लिए अनाज वनाज दिया है और सब मंडी उंडी सही दिया है, रोड रोड सही दिया है, लाइट वाइट सही दिया है जी, बहुत बढ़िया काम है जी उनका। सबका साथ सबका विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है जी, मुफ्त टीकाकरण हो रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हाँ जी ये जो वैसे आ गए हैं ये कह रहे हैं कि काम नहीं करती है सरकार, कुछ विशेष वर्ग के लिए करती है, लग रहा है वैसे की बातों में कोई जी ना कोई दम नहीं है, वो तो जब जब वो इलेक्शन होता है तब तब तो वो आते ही है। योगी जी कोई मतलब वोट देंगे हम जी? क्या बेहतर किया है इंडस्ट्रीज के लिए? मेन तो ये है जो एक तो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा है ये वाला, जो हमारे हाईवेज मतलब और जो हमारी रोड हैं, जो एक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो इजी रहा है, तो इस वजह से मतलब उद्योग में बढ़ावा मिलता है उस चीज़ से। अखिलेश के ज़माने में तो बहुत गुंडागर्दी होती थी, क्राइम बहुत ज़्यादा था, योगी सरकार में क्राइम नहीं है कोई भी। इनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने काफ़ी बहुत डेवलपमेंट किया है। योगी जी के राज में कुछ चीज़ें अच्छी हुई, क्राइम कंट्रोल हुआ, लेकिन जो व्यापारियों के नाम से ये पार्टी आई थी, महंगाई और भ्रष्टाचार हम लोगों को उम्मीद थी कम होगा, वो नहीं हो पाया। योगी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है जब से योगी आए हैं ना तब से केसेस जो कहना चाहिए क्रिमिनल वाले सारे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल अब रात को या दिन में महिलाएं कहीं भी जा सकती हैं, अपना सेल्फ काम कर सकती हैं, मेरी भी ऑलरेडी यहाँ शॉप है, पूरे दिन मैं अकेले बैठती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेडीज को भी अकेले काम करने में। चुनाव में क्या है, चुनाव में तो अब चुनाव तो समय बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है। अभी सोचा नहीं किसे चुनेंगे किसे नहीं? कुछ भी नहीं सोचा हम तो अभी। महंगाई ज्यादा कर रखी, लूट खसोट यही है और क्या है। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया गाजियाबाद। कुछ भी नहीं करा, ये पहले ही काम स्टार्ट था वही आगे को बढ़ा रहे। देखो काम के हिसाब से देखा जाए तो योगी जी ने अच्छा काम किया है, और महंगाई का हिसाब देखा जाए तो महंगाई में हर आदमी मजदूर परेशान है, हर आदमी गरीब आदमी आज की डेट में परेशान है। काम करा है पर महंगाई में गरीब आदमी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इस महंगाई ने इतना मार दिया है कि बेहिसाब, इसलिए बस कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों तरफ है। हाँ किस किस की तरफ है, किस किस में फाइट? ये अखिलेश में और योगी जी में। चुनाव को लेकर इस बार मोदी जी क्यों लग रहे हैं? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। क्या क्या काम? मोदी जी ने सबको घर दिए हैं, मकान दिया है, शौचालय दिए हैं। यहाँ की जनता आप चुनाव नजदीक आते ही कैसे अपना मन बना रही है ये आपने जाना, यानी यहाँ के अब चुनावी मुद्दे क्या हैं ये निकलकर पूरी तरीके से सामने आ चुका है।